सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विथ कोरल ब्लीचिंग इन ग्रेट बैरियर रीफ। सो आज के ये तो सारे टॉपिक्स हिंदू एनालिसिस के अंदर है, कोरल ब्लीचिंग इन ग्रेट बैरियर रीफ। सो व्हाट बेसिकली इज अ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग क्या है, दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखना है। एली एंड सारी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी प्रीलिम्स का टॉपिक आपका बन जाता है। हिमालयन वल्चर, व्हाट इज़ हिमालयन वल्चर, ईरान एंड इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी मैंडेट फॉर अफगानिस्तान, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। सो हियर इफ़ यू टॉक अबाउट, दिस इज़ रिलेटेड विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये जो टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड विथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। दिस इज़ रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, दिस इज़ अगेन इट इज़ रिलेटेड विथ वी कैन से डिजीज़ से रिलेटेड कोई प्रीलिम्स का टॉपिक फ्रेम हो सकता है। ये भी आप जीएस पेपर 2 के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, दिस इज़ रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट। तो ये टॉपिक्स हैं। आज के जो एक टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है कोरल्स के बारे में, कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कोरल्स का इम्पोर्टेंस भी बहुत ग्रेट है और जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उस पर काफ़ी अधिक आपका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो व्हाट बेसिकली इज़ दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक बार देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वन रैंक वन पेंशन स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस। It meant a uniform pension would be paid to retired servicemen of the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement. Future enhancement in the rate of pension would be automatically passed on to the past pensioners. The gap between rate of pension of current pensioner and the past pensioner will be breached every 5 years. तो correct बताना है। Second question भी देख लो। It is related with sealed cover jurisprudence. It is a practice used by Supreme Court and sometimes lower court of asking for and accepting information from government agency in sealed envelope. Specific law defines the doctrine of sealed cover. This is usually done on the ground that the content are highly sensitive in nature and may injure even national security or public order. तो ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। लास्ट में ये दोनों के दोनों जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आप अनअकैडमी मुझसे जुड़ सकते हो अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यूज़ द कोड SPLIVE। 25 से जो विपिन चंद्रा की किताब है आपकी, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो कोर्स भी आपको ज्वाइन करना है इस बार। तो यहाँ पे देखो कुछ किताबें रहेंगी, GC लॉन्ग है और भी कई किताबें होंगी दैट आई एम गोइंग टू कवर बिफोर प्रीलिम्स। तो कोर्स 25 तारीख से विपिन चंद्रा के ऊपर लॉन्च हो रहा है। विपिन चंद्रा जो किताब है हिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो कवर आपका होगा। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्स ऑन करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2022, तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बने। नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है मार्च 27 को। आप जो है प्रीलिम्स और प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 22 या 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 28 टेस्ट और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 56 टेस्ट है, तो इसको आप सेपरेटली कर सकते हैं। और अगर अनअकैडमी से जुड़ते हैं वैसे तो ये आपका इंक्लूडेड भी हो सकता है। अगेन यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल कोच असाइन रहते हैं। अनअकैडमी स्टोर का भी आप जो है हिस्सा वो है बन सकते हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो UPSC CSC जो बैच कोर्सेस हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं तो कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द कोरल ब्लीचिंग। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये समुद्र के नीचे ये जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरल्स। वी कॉल देम एज कोरल्स, ये ध्यान में रखना है। वी कॉल देम एज कोरल्स। अब ये हाईली बायोडाइवर्स रीजन होता है, तो ये जो कोरल्स हैं कई सारे कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं इन कोरल्स के लिए। तो जिन भी कंडीशन में जो कोरल्स आपके ग्रो करेंगे, जो कंडीशन अवेल कर सकते हैं, जो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोरल्स, उन कंडीशंस में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी एस्पेक्ट है समुद्र में, सैलिनिटी एस्पेक्ट जो है, सो वो सारी चीज़ें मैटर आपकी करती है। तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ सफ़र्स सीवियर कोरल ब्लीचिंग। जो ग्रेट बैरियर रीफ है, दिस ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इट हाईलाइट्स की सफ़र्स सीवियर कोरल ब्लीचिंग। तो क्यों ये कोरल ब्लीचिंग कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है एंड व्हाट बेसिकली इज़ कोरल ब्लीचिंग, ये दो टॉपिक्स आपके बन जाए। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका लोकेटेड कहाँ है, बेसिकली इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ज्योग्राफी में भी आपने रीड किया होगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कोरल ब्लीचिंग, तो पहले आपको कोरल ब्लीचिंग को समझना है। जैसे कोई भी कोरल्स प्रेजेंट होते हैं, इन कोरल्स के ऊपर, जैसे दिस इज़ अ हेल्दी कोरल, कोरल और एक एल्गी होती है जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ैंथेली एल्गी, वी कॉल इट एज ज़ूज़ैंथेली एल्गी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हेल्दी कोरल्स की, व्हेन यू टॉक अबाउट द हेल्दी कोरल्स, तो यहाँ पे आपके पास कोरल्स प्रेजेंट है और प्लस ज़ूज़ैंथेली एल्गी प्रेजेंट है, दोनों एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं हेल्दी कोरल्स के केस में। तो कोरल इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो ज़ूज़ैंथेली एल्गी है, ज़ूज़ैंथेली एल्गी जो भी फूड और है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, दैट इज़ प्रोवाइडेड। धीरे धीरे जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है इस एल्गीज़ के लिए, वो जैसे हाई टेम्परेचर या हाई सैलिनिटी हो जाएगी, तो जो भी ज़ूज़ैंथेली एल्गी होंगी, दैट दीज ज़ूज़ैंथेली एल्गी विल डाई। तो ये जो ज़ूज़ैंथेली एल्गी आपकी पूरी तरीके से डाई कर जाती हैं, तो सिर्फ कोरल बचता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लीच्ड कोरल। सो व्हाट इज़ अ ब्लीच्ड कोरल और कोरल ब्लीचिंग? व्हेन दिस ज़ूज़ैंथेली एल्गी, जो कि कोरल्स के ऊपर प्रेजेंट है, कोरल्स के ऊपर जो प्रेजेंट है ज़ूज़ैंथेली एल्गी, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो वी कॉल इट एज अ ब्लीच्ड कोरल या कोरल ब्लीचिंग, जिसे ये टर्म आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना। सो इसके लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं, वार्म टेम्परेचर भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। अगर टेम्परेचर बहुत हायर हो जाएगा, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोरल की ब्लीचिंग होती है, इट इज़ नॉट डेड, मतलब कोरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर जो ज़ूज़ैंथेली एल्गी प्रेजेंट होती है वो नहीं है। सो जब भी कोरल ब्लीच्ड हैं, अगर कोरल ब्लीच्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल्स पूरे तरीके से मर चुके हैं, इट इज़ नॉट डेड। कोरल्स कैन सर्वाइव इन ब्लीचिंग इवेंट्स, इवन जब भी ये ब्लीचिंग इवेंट्स होते हैं तो कोरल्स उस ब्लीचिंग इवेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेस की सिचुएशन है जो कि कोरल्स को फेस करना पड़ जाता है, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्ट्रेस यहाँ मतलब हुआ कि जिस कंडीशन में कोरल्स ग्रो कर रहे हैं, वो कंडीशंस में उस कंडीशन के अंदर काफ़ी बदलाव आपका हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसमें कोरल ब्लीचिंग हो रही है, और इसके पीछे जो रीज़न एक है वो हाई ओशियन टेम्परेचर है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कंटिन्यूस बेसिस में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, उन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से कोरल्स आपके जो है वो ब्लीच कर रहा है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक मैराइन पार्क भी है, इस मैराइन पार्क के अंदर ह्यूज, मतलब कुछ सालों से तेज़ी से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोरल ब्लीचिंग, जिसका इम्पैक्ट फिर मैराइन इकोसिस्टम के अंदर ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरल एरिया है वो एक रेन फॉरेस्ट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ रेन फॉरेस्ट, जैसे नॉर्मल लैंड एरिया में रेन फॉरेस्ट है, उसमें ह्यूज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, इसी तरीके से जो ये रेन फॉरेस्ट हैं, ये रेन फॉरेस्ट की तरीके समुद्र के रेन फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। तो ओशियन का जो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न, वही ग्लोबल वार्मिंग है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, समुद्र के अंदर भी जो मैराइन हीट वेव्स हैं, दोज मैराइन हीट वेव्स विल ऑल्सो बी जनरेटेड, जो मैराइन हीट वेव्स हैं, दोज मैराइन हीट वेव्स विल ऑल्सो बी जनरेटेड। और इस हीट वेव से भी क्या होगा, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कोरल की ग्रोथ के लिए, वो टेम्परेचर बाईपास कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा। और जब टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, सो इट विल रिजल्ट इन टू वट वी कॉल इट एज अ कोरल ब्लीचिंग, इट विल रिजल्ट इन टू वी कॉल इट एज कोरल ब्लीचिंग। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट और भी रखा गया है कि वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग सफर ड्यूरिंग ला नीना वेदर पैटर्न। अब देखो, ला नीना और एल नीनो ये दो आपके रहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर साउथ अमेरिका है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और बीच में आपका पैसिफिक ओशियन है। यू हैव अ पैसिफिक ओशियन। इस पैसिफिक ओशियन की इधर से जो एक आपकी ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की इधर से एक कोल्ड करंट जाती है, जिसे हम कहते हैं पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट, वी ऑल्सो कॉल इट एज पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट, इसे हम कोल्ड करंट कहते हैं। तो ये पैसिफिक ओशन है, तो कोल्ड करंट में पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अमेरिका दोनों के बीच में ये पैसिफिक ओशन है। तो ला नीना इवेंट के अंदर यहाँ जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोल्ड करंट है, तो यहाँ पे जो एयर है वो नीचे आएंगी, यहाँ हवाएं ऊपर होंगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होगा, ला नीना इवेंट में टेम्परेचर और अधिक हायर हो जाता है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के लिए। और कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, तो यहाँ जो टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस पे हायर होगा, हायर टेम्परेचर के बेसिस पे, हायर टेम्परेचर की वजह से देयर विल बी हायर कोरल ब्लीचिंग, क्योंकि जो कंडीशन रिक्वायर्ड है कोरल्स के लिए वो आपकी अवेलेबल नहीं रहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ला नीना कैन ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, बिकॉज ला नीना इज एसोसिएटेड विथ हाई टेम्परेचर अलॉन्ग द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के इधर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे आपका ये देखने को मिलता है। तो ये दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि कई सारे और भी दूसरे दैट इज़ एसोसिएटेड विद कूलर पैसिफिक ओशन टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे इस पूरे रीजन में देखा जाए तो ला नीना की वजह से टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा सा और लो हो जाता है, इधर टेम्परेचर हायर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इसके लिए एक बड़ा फैक्टर कंसिडर किया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंज इन वेदर पैटर्न, सच चेंज इन एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं जिसमें फिर कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते एंड इट रिजल्ट इनटू कोरल ब्लीचिंग, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिनलैंड रैंक्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द फिफ्थ ईयर, कंटिन्यूस फिफ्थ ईयर के लिए फिनलैंड जो है इट हैज़ बीन रैंक्ड एज वी कैन से, फिनलैंड को रैंक किया गया हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द फिफ्थ ईयर। तो ये ध्यान में रखना है कि जो फिनलैंड है, फिनलैंड बेसिकली रैंक्ड, फिनलैंड आपका रैंक किया गया है, इट हैज़ बीन रैंक्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, हैप्पीएस्ट कंट्री। तो यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट बेसिकली इज व्हाट अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट जो कि 2022 की रिपोर्ट है, इसमें कुछ पॉइंट्स है। फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में कंसिडर किया गया, कंटिन्यूसली फिफ्थ टर्म है, और जो यूएन स्पॉन्सर्ड इंडेक्स, ये यूएन स्पॉन्सर्ड इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट है, लेबनान की क्लोज है। लेटेस्ट लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट अभी प्रिपेयर की गई है ये रशियन इन्वेजन है यूक्रेन में, उससे पहले आपकी की गई है। बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं। लार्जेस्ट जो फॉल है वर्ल्ड हैप्पीनेस का वो इन कंट्रीज़ में देखने को मिला है, लेबनान है, वेनेजुएला है और अफगानिस्तान के अंदर है। लेबनान के देखा जाए तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी वो कंटिन्यूसली जो है फेस कर रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान में भी सेम सी चीज़ें देखने को मिल रही, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अब ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कई कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे इनकम हो गया, ट्रस्ट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सोशल सपोर्ट है, फ्रीडम है, जेनरोसिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है 136 आउट ऑफ, इसमें 136 आउट ऑफ 146 है, और पिछली बार जो रैंकिंग इंडिया की थी वो 139 थी। तो ये जो रैंकिंग है इंडिया की थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, 136 आउट ऑफ 146 कंट्री। वैसे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बॉटम रैंकिंग 139 आउट ऑफ 149, तो यहाँ पे तीन कंट्रीज़ थी इसमें कम है, तो इस टाइप से थोड़ा सा बैलेंस हो गया। तो जिस तरीके से अब इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं कि व्हाट बेसिकली इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, इस सेशन की टाइमिंग आई थिंक आप सभी को पता है, टाइमिंग का जो है वो आपका 6:15 से 6:30 AM तक आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये जो सेशन की जब हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन। जब भी कोई डिजीज़ की जब बात करते हैं तो कई फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस की वजह से भी जो ये लंग्स हैं, इन लंग्स पर डैमेज आपका हुआ है। ऐसी एक टर्म अभी है दैट इज़ ILI एंड SARI, सारी एंड ILI, तो ये दो टर्म्स के बारे में इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आपका न्यूज़ भी आया, रीस्टार्ट मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये COVID-19 सर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया, अब देखो केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, अभी इंडिया में मे बी 1-1.5 महीने के अंदर हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल, बट अभी जैसे साउथ कोरिया में काफ़ी केसेस है, चाइना में भी कंपेरेटिवली केसेस बढ़ रहे हैं, तो कई कंट्रीज़ के अंदर ये केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो अगर एक बार इंक्रीज़ ये केसेस होने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के अंदर भी अब देखो क्या स्टेप आपके लिए जाते हैं, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस रखने जो है, जो पहले रखते थे वो रखना ज़रूरी है। यहाँ पे ILI का मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और सारी का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये इनका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें फीवर 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, कफ होता है ना। लास्ट 10 डेज़ की जब बात करते हैं सारी के अंदर देखा जाए तो यहाँ भी टेम्परेचर आपका शरीर का 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसमें जो अगर सारी का केस होता है तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़रूरत आपकी होती है। तो यहाँ पे जो WHO की बात करें तो उसने हाईलाइट किया है कि जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है कॉजेज अ क्लिनिकल सिंड्रोम, और इसको ईजिली आप दूसरी जो बीमारियां हैं रेस्पिरेटरी जो बीमारियां उससे आप अलग नहीं कर सकते हो। दूसरा ILI और सारी ये सारे केसेस कैप्चर नहीं करना, ये सिर्फ ये देखना है कि ऐसे जो केसेस हैं सारी और ILI के वो किस तरीके से उनका ट्रेंड क्या है, धीरे धीरे जो उनका ट्रेंड क्या है। दूसरा ये भी कहा गया कि इसके लिए भी कॉमन डेफिनेशन होना चाहिए, तभी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो इसके लिए कदम आपका उठा सकती है। तो अभी ये कहा गया कि जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग कि जो भी नोवेल कोरोना वायरस केसेस हैं साउथ ईस्ट एशिया में या यूरोप के अंदर, तो उसमें सेंटर ने कहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये देखो कि ILI और सारी के जो केसेस हैं उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं और इनके भी काफ़ी जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट शरीर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट वल्चर, ये वल्चर के ऊपर है। देखो कई फैक्टर्स हैं, एक दवा थी जिसे हम डिक्लोफेनाक कहते हैं, तो वो जो दवा है उस दवा की वजह से भी पेन किलर के रूप में इस्तेमाल की जाती थी और जो एनिमल्स जो भी उनको कंज्यूम करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो वल्चर्स हैं अगर एनिमल को खाते थे तो इस डिक्लोफेनाक दवा की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती थी। दूसरा ये भी रीज़न आपका है कि अभी जैसे ये है कि पॉइजनिंग की गई, अभी आसाम के अंदर हिमालयन ग्रिफन और स्टेपे ईगल, इसके बारे में आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो दोनों ईगल्स के बारे में। तो यहाँ पे हिमालयन जो ग्रिफन्स हैं और स्टेपे ईगल्स हैं, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रीलिम्स का टॉपिक बन जाता है। 100 जो वल्चर्स हैं दे डाइड बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग। अब हिमालयन एटलीस्ट 100 वल्चर्स हिमालयन ग्रिफन्स और लगभग स्टेपी ईगल इनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे हिमालयन जो वल्चर है इसका ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम याद नहीं रखना है। इन्हें कंसीडर भी किया जाता है मतलब वर्ल्ड के ओल्ड कल्चर के वल्चर के रूप में भी इन्हें कंसीडर किया जाता है। कई रीजन्स में ये पाए भी जाते हैं और ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, तो हिमालयन रीजन तिब्बतन रीजन में जो हिमालयन वल्चर है ये आपके पाए जाते हैं, लगभग इतनी हाइट में ये आपके पाए जाते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, वेस्टर्न चाइना और मंगोलिया, इन जगह पे पाए जाते हैं। उसके बाद इन कंट्रीज़ में भी इनको ये पाए जाते हैं, थाईलैंड है, बर्मा है, सिंगापुर और कम्बोडिया। तो कुछ फैक्ट्स वी शुड नो अबाउट द हिमालयन वल्चर, क्या है ये हिमालयन वल्चर। नेक्स्ट देखते हैं ईरान रेडी टू मीट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स। अब देखो यहाँ पे जो एक टॉपिक निकल कर आता है वो है कि जैसे कई दिनों से लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट JCPOA जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 2015 के अंदर आपका साइन किया गया था, और इसमें P5+1 जिसमें 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और 1 जर्मनी है जो कि इंक्लूडेड था इसके अंदर, और ईरान के बीच में साइन किया गया था। और इसका एम ये था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, उसको किस तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए, उस पर आपका फोकस जो है किया गया है। तो यहाँ पे दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ईरान की रेडी टू मीट इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स। सो यहाँ पे क्या है कि एक जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया इसके बाद से, और जैसे ही विड्रॉ किया तो ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को, व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर उसने जो एनरिचमेंट है बहुत सारे वी कैन से जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का, जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का एनरिचमेंट उसने स्टार्ट कर दिया। यूरेनियम का एनरिचमेंट का पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी अगर न्यूक्लियर फ्यूल का अरेंजमेंट करें तो उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे वेस्ट एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो आपका काफ़ी अधिक इम्पैक्ट करता। अब इस कंटेक्स्ट में इफ़ यू सी कि जो भी रीज़न हो, जो जो बाइडेन है उन्होंने, या USA की बात करें तो ईरान से बातचीत दोबारा से, जिसे हम पियाना टॉक भी कहते हैं, तो वो बातचीत दोबारा से शुरू हुई किस तरीके से ईरान के कंसर्न को दूर किया जाए और दोबारा से बातचीत किया जाए। तो जो भी सैंक्शंस ईरान पे इम्पोज्ड है वो शायद विड्रॉ कर लिए जाएँ। एक बार विड्रॉ कर लिया जाए तो ईरान वन ऑफ द मेजर, आप कह सकते हो, मेजर एक्सपोर्टर ऑयल का था, मेजर एक्सपोर्टर ऑयल का होने की वजह से, बट क्योंकि सैंक्शंस लग गए थे इसलिए वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक सिस्टम है इंडिया और ईरान के बीच में, उसका इस्तेमाल करके जो एक्सपोर्ट है ऑयल का वो दोबारा से शुरू किया जा सकता है, ये स्टेप आपका लिया जा सकता है। तो ईरान ने भी एश्योर किया है कि जैसे ही सैंक्शंस आपके सारे उठेंगे तो उसके बाद से ये कदम आपका उठाया जा सकता है। तो ये चीज़ हाईलाइट अभी की गई है, जो एम्बेसडर है ईरान के उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो ईरान पहले के टाइम पे जब उस पर सैंक्शंस इम्पोज नहीं था तब वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था इंडिया को, बट न्यू दिल्ली को अपना इम्पोर्ट को रोकना पड़ा, जैसे जब जो यूएस के पहले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विड्रॉ न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया और सैंक्शंस इम्पोज आपका कर दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जब से बदलाव हुआ है इस पूरे रीजन के अंदर, जो भी चेंजेस आपके जो भी चेंजेस ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं हुआ है, तो ख़ास तौर से उस पूरे रीजन में जो तालिबान का प्रेजेंस इंक्रीज़ हुआ है, तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफ़ी हद तक देखने को मिली है इस पूरे के पूरे रीजन में। देखो अफ़गानिस्तान की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सेंस में देखोगे तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस, जैसे अगर आप देखोगे ये अफ़गानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर सेंट्रल एशिया हो गया, इधर ईरान हो गया, तो ये सब बहुत, यहाँ से देखो इधर ये आपकी यूक्रेन हो गया, इधर आपका ये रूस हो गया, इधर ये आपका ये जो पूरा रीजन चीन है, ये आपका इंडिया है, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेटेड है। इवन अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरिया है। तो एक टॉपिक भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जैसे ये एक तरफ आपका, एक तरफ यूएसए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, तो ये ट्रायंगल आपका क्रिएट होगा, ठीक है। इधर से ये अरेबियन सी एक्सेस कर सकते हैं, इधर ये पूरा रीजन रशिया के कंट्रोल में, इधर ये जो पूरा रीजन है ये चाइना के कंट्रोल में, और ये जो है ओशियन आपका इंडियन ओशियन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर, तो ये इन पूरा ये एक अलग टॉपिक भी है, मैंने सेपरेट वीडियो भी इस पर आप लोग के लिए क्रिएट किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पूरा एक नया आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है, दिस न्यू आर्किटेक्चर, ये जो नया आर्किटेक्चर आपका क्रिएट हो रहा है, ये एक नया आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं वी कैन से, जो ये नया आर्किटेक्चर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, तो उसमें भी अफ़गानिस्तान का भी एक रोल ज़रूर से रहेगा। लेकिन अभी क्या है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नए मैंडेट को सामने रखा है। अब इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट किए गए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है, इस रिजोल्यूशन में रशिया ने वोट नहीं किया, अब्सटेन किया है, तो यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया यूएन मिशन इन अफ़गानिस्तान, उसको ऑथराइज़ किया गया कि आप जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करो, वुमेन के एम्पावरमेंट, गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए कार्य करो, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करो, और कैसे जो सरकार है वहाँ की उसको रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, उस डायरेक्शन में काम करना है। यहाँ पे तालिबान को मेंशन इसके अंदर नहीं किया गया, लेकिन ये चीज़ कहा गया कि जो भी आपको करना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस रिजोल्यूशन में ये चीज़ कहा गया कि जो भी आपको कदम उठाना है वो दैट शुड बी इन क्लोज कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल एक्टर्स, जो भी पॉलिटिकल, तो अब तालिबान एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर अफगानिस्तान के अंदर है, तो उससे कंसल्ट करके ही फिर आपको करना पड़ेगा। तालिबान ने भी क्या है इंटरनेशनल हेल्प भी मांगी, लेकिन अभी उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पावर शेयरिंग है उसके लिए भी एग्री नहीं किया गया, तो यहाँ पे तालिबान ने भी जो पावर शेयरिंग दूसरे जो मतलब जो गवर्नमेंट है उसको और इंक्लूसिव बनाया जाए, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, अफ़गानिस्तान के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना, ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ में भी अभी काफ़ी वर्क तालिबान को करना पड़ेगा। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत अधिक है, 2/3 जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो डोनेशन के माध्यम से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना ज़रूरी बन जाता है। लगभग अगर यूएसए की बात करें तो ये जो पैसा बैंक्स में था अफ़गानिस्तान के अंदर, उसमें लगभग $9 बिलियन जो एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक से जो बिलोंग कर उसको फ्रीज़ कर दिया, तो उसने भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं वहाँ के, उनको बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 2% जो अफ़गानिस्तान के 38 मिलियन पीपल है उनके पास इनफ फूड नहीं है, ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन लगभग 30% का हुआ है। ये सब सिचुएशन हाईलाइट कर रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस प्रकार की जो क्राइसिस है वो देखने को धीरे धीरे मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटर द पैसिव सब्जेक्ट एग्जिट द एक्टिव सिटीजन्स। अब देखो यहाँ पे एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स रखे हैं, ओपिनियंस रखे हैं, बट इस एडिटोरियल के अंदर जो टर्म्स इम्पॉर्टेंट है वो है एक्टिव वर्सेस पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें कुछ ये आर्गूमेंट कई जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अच्छा, कल का जो सेशन है वो 12 PM को होगा। आज 4 बजे 4 PM को मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, अनअकैडमी के अंदर फ्री होगा। तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, लिंक मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपका है 4 बजे 4 PM को होगा। अब यहाँ पे इस आर्टिकल से एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के बीच का डिफरेंस। एक्टिव सिटीजन्स क्या है? एक्टिव सिटीजन्स की जब हम बात करते हैं, दे आर एबल टू वोट, पब्लिकली जो है वो डिस्कस करते हैं कॉमन गुड के बारे में, लीगल अवेलेबल जो मीन है उसके माध्यम से पब्लिक पॉलिसी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए वो देखना, अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी लॉ को क्रिटिसाइज़ करना, मॉडिफाई करना, फिर उसके बाद वो पब्लिक ऑफिस के लिए खुद भी पार्टिसिपेट करने की जो है कोशिश करता है। पैसिव सिटीजन इस सब का अपोजिट, ना ही वो वोट देना चाहते हैं, अनेबल, ना ही विलिंगनेस भी है वोट देने के लिए। दूसरा, पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इश्यूज़ में क्या चल रहा है वो भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स के जो पॉइंट्स 3 हमने डिस्कस किए उसका जस्ट अपोजिट जो है वो पैसिव सिटीजन है। अब देखो, आप ये समझ सकते हो कि कोई भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। इवन जो पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ हमें प्रोसीड करना ये ज़रूरी है। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अब हम अपने डेमोक्रेसी को किस तरीके रिप्रेजेंटेटिवनेस इंक्रीज़ करें या पार्टिसिपेशन हम कैसे इंक्रीज़ करें। तो पार्टिसिपेटिव के लिए ये ज़रूरी है कि सिटीजन्स एक्टिव हों, ना कि पैसिव हों। पार्टिसिपेशन की जब हम बात करते हैं, कोई भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ना हो, पार्टिसिपेशन भी लोगों का बहुत मैटर करता है। पैसिव सब्जेक्ट्स की बात करें, जनरली जब बात करते हैं, डू नॉट हैव एनी राइट्स, दे लिव बाय द ग्रेस ऑफ रूरल, मतलब अगर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो पैसिव हैं रूरल पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद डेडिकेशन डज नॉट एंटेल दैट सब्जेक्ट डिवोट देमसेल्व्स टू द फर्दर, पूरे तरीके से जो डेडिकेशन है स्टेट के प्रति वो भी नहीं रहता है। दूसरा ये भी है कि दे कुड ईजिली सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कॉमन गुड एज लॉन्ग एज इट इज़ डिफाइंड बाय द रूरल। सिटीजन्स नेवर इक्वेट द स्टेट विथ करेंट रूरल, नो डेमोक्रेटिक रूलर कैन कॉल द स्टेट हिज ओन। मतलब अगर पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो रूलर है, कोई राजा रहता था और राजा के लिए जो प्रजा है अब उसमें कोई वोटिंग और इस तरीके से ज़्यादातर तो पैसे भी थे इट। और आज के समय में जो डेमोक्रेटिक रूलर है उसको ऐसा मतलब जो पहले के रूलर और आज के समय में जो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड एक तरीके से जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। नो डेमोक्रेटिक रूलर कैन कॉल द स्टेट हिज ओन, अब राजा अपने राज्य को तो अपना हिस्सा मान लेता था, लेकिन जो इलेक्टेड रूलर है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात। तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई द स्टेट विद द रूलर एज डज ही हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और सिटीजन में डिफरेंस क्या है। सिटीजन्स एक तरीके से उनके पास राइट्स हैं, सर्टेन राइट्स हैं, और वो उस राइट्स के लिए वो डिमांड भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट पूरे तरीके से क्या है, डिपेंडेंट रूलर पर निर्भर आपका करता है। तो अगर कोई भी ये मान ले कि ये जो पर्सन है यही हमेशा हमारे रूलर रहेंगे इवन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, तो वो भी डेमोक्रेसी के लिए इतना सही नहीं है। तो ज़रूरी क्या है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और एक्टिव सिटीजनरी ज़रूरत है अपने डेमोक्रेसी को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, ये क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लेना। इसको एक का आंसर 1, 2, 3 है, तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। एक हैबिट आपको डेवलप करना चाहिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो सेशंस होते हैं तो इस सेशंस को आपको अटेंड करने हैं, नोट्स भी ज़रूर से बनाना। पीडीएफ मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ, सौरभ पांडे अनअकैडमी या टारगेट यूपीएससी मेंस का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से भी आप जो है वो ले सकते हैं। लिंक आपको जो टारगेट यूपीएससी मेंस का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन कर रहा है, स्पेसिफिक लॉ डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस पर मैंने बहुत डिटेल में आपको, हम लोग 1-2 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं। संडे का सेशन आपका 12 बजे होता है, ध्यान में रखना है। देखो, वाइल स्पेसिफिक लॉ डज नॉट डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सील्ड कवर, सुप्रीम कोर्ट डिराइव इट्स पावर टू यूज इट फ्रॉम रूल 7 of Order 13 of Supreme Court Rules and Section 123 of Indian Evidence Act of 1872. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन ऑफ सील कवर नहीं है। तो यहाँ पे एक तो रूल 7 है, देयर इज़ दिस रूल कॉल्ड एज रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। और एक आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, इसका सेक्शन है सेक्शन 123। इसमें यहाँ से ये जो लीगैलिटी है सील्ड कवर की ज्यूरिडिक्शन की वो डिराइव किया जाता है, देयर इज नो सेपरेट डॉक्ट्रिन फॉर इट। तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही। इधर आंसर 123। तो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है बहुत डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस जो है वो किया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप अनअकैडमी में से मुझसे जुड़ सकते हैं, यूज़ द कोड SPLIV। अभी 25 तारीख से विपिन चंद्रा पे जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो रहा है। विपिन चंद्रा की एक काफ़ी मोटी किताब है, पूरा कवर होगा। और दूसरा आपका करंट अफेयर्स का कोर्स है 7 अप्रैल से स्टार्ट, और भी कई रिवीजन कोर्सेज प्रीलिम से रिलेटेड है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।